मिक्सचर से पिए हुआ है कढ़ाई पनीर। तो हमें कढ़ाई पनीर के लिए चार से पाँच प्याज चाहिए हमें, नॉर्मल साइज़ के, फ्री साइज़ के कटे हुए। सेम ऐसे 3 से 4 फ्री साइज़ के कटे हुए टमाटर और 2 से 3 फ्री साइज़ कटे हुए शिमला मिर्च और 3-4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा लहसुन। तो ये है हमारे कढ़ाई पनीर के इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए दोस्तों हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हमें तेल रखा काफ़ी देर हुई और अब लगता है हमें तेल गर्म हो भी गया है। तो दोस्तों इसके अंदर हम जितने हमने प्याज काटे थे उसे थोड़े से बचा के हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए दोस्तों इतने प्याज छोड़ देना लगभग अंदाजे से दोस्तों इस। अब थोड़ी देर जरा हम प्याज को फ्राई होने देंगे, इसको बीच बीच में स्टर करते रहना। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक का इंतजार करेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं प्याज है वो फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें हम प्याज में सारे के सारे जो हमने टमाटर रखे थे सारे टमाटर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों अब हम टमाटर को भी स्टर करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं आप दोस्तों जो टमाटर है वो उसमें पानी छोड़ रहे हैं, तो हम इन इस तरीके में हल्का सा नमक डाल देंगे ताकि जो टमाटर है वो अपना और पानी छोड़ दे और गल जाए। दोस्तों टमाटर गलने का हम इंतजार करते हैं। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे होंगे जो टमाटर हैं वो भी काफी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसकी गैस कर देंगे बंद और जो ये तड़का है इसको हम मिक्सी के जगह डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो दोस्तों जो अब मैं बताना चाहूंगा कि जो नॉर्मल रेसिपीज होती है और मेरी रेसिपी है उसमें जो ट्विस्ट है वो यही है दोस्तों। देखते जाइए उसका स्वाद जो आएगा और जैसे टेक्सचर होगा दोस्तों वो हम जो तड़का है ये पीस देंगे। इस पर टेक्सचर और सब कुछ जो है दोस्तों आपको दिख जाएगा और ये मेरा ट्विस्ट जो है वो आपको पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ट्विस्ट जो है वो अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको जो ये हमारा तड़का है काफी गर्म है इसको हम जो है पीस देते हैं। ये देखिए दोस्तों जो हमने तड़का रखा वो पीस दिया है और इसी के अंदर मैंने आपको जो मिर्च और लहसुन दिखाया था वो भी पीस दिए हैं। तो चलो दोस्तों हम इसे हम अब कढ़ाई में डाल देते हैं। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि हम इसे डाल चुके हैं दोस्तों इसे भी थोड़ी देर स्टोर करेंगे और गलने देंगे। तो दोस्तों यही है मेरा डिश जो आपको दिखेगा। इसकी थिकनेस देख रहे होंगे आप, इसकी जो थिकनेस है वो और इसकी जो रिचनेस है वो एक तरह का लगेगा जो पिस्ता है वो बहुत ज्यादा लगेगा। दोस्तों आपको याद है हमने थोड़े से जो प्याज बचाए थे अब मैं आपको दिखाता हूँ उन प्याजों का करना क्या है। दोस्तों हमने प्याज लाया था ना मैंने तो एक और कढ़ाई रख दी उसमें थोड़ा तेल डाल दिया है। इन प्याजों को हमने अलग फ्राई करना है। ये मैंने प्याज डाल दिए दोस्तों। ये प्याज मैंने डाले हैं ये मैं बता दूंगा आपको करना क्या है। पहले तो हमें फ्राई होने देंगे तो आपको मैं आगे वीडियो में बताता रहूंगा कि हमने जो प्याज फ्राई करे हैं उसका रीजन क्या है जो हमने अलग फ्राई करे हैं। देखते रहे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हमने बचे हुए प्याज भी फ्राई करने के रखे थे वो भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो हम अब अगला स्टेप चलते हैं और इसमें जो हमने शिमला मिर्च काटी थी फ्री साइज की उसको सारी हमने शिमला मिर्च में डाल देंगे और शिमला मिर्च को भी गल ले लेंगे। जब तक शिमला मिर्च जलती है तब तक हम इंतजार करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये तड़का जो है अब हो चुका है। तो इसके अंदर हम जो है वो दूसरा तड़का था वो मिक्स कर देंगे। तो देखिए दोस्तों अब इसको भी हम पकने देंगे पहले। ठीक है दोस्तों अब हम इस तड़के में थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार हल्दी और मिर्च डाल देते हैं। जैसे कि हमें लग रहा है काफी गाढ़ा है तो पानी डाल देना थोड़ा सा ताकि ये गल जाए अच्छे से। जैसे कि आप देख रहे हो तड़का हो चुका है तो हम इसके अंदर जो है पनीर मिक्स कर देंगे अपना। तो दोस्तों हमारा कढ़ाई पनीर जो है वो अब तैयार है बिल्कुल। तो अब बारी आती है सर्विंग की। तो हमारी डिश की प्लेटिंग हो चुकी है तो मैं क्या करता हूँ इसे मैं करूंगा इसे टेस्ट और आप जाइए इस डिश को बनाइए ट्राई कीजिए। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी डिश बनी है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों।